फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बेसिकली हमारी बिगनर्स के लिए है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिंपल नैरो सलवार कैसे कटिंग करते हैं, जिसके लिए मैंने 2.5 मीटर सूट 2.5 मीटर कपड़े का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम उसके मेजरमेंट्स चेक कर लेते हैं। सलवार बनाने के लिए हमारी मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है। टोटल लेंथ हमारी 38 इंच है, बेल्ट की लेंथ हमारी 66 इंच है और ब्रेथ उसकी 22 इंच है। मोरी हम 6 इंचेस रखेंगे क्योंकि हम कम मोरी बना रहे हैं, तो इसलिए हम उसकी 6 इंचेस मोरी रखेंगे। और हमारी सलवार की जो लेंथ आएगी, बेल्ट की लेंथ माइनस करके 38, टोटल लेंथ में से बेल्ट की लेंथ माइनस करके हमारी 32 आएगी, तो हम सलवार की लेंथ 32 रखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। सबसे पहले आप अपने सलवार का कपड़ा ले लें। सबसे पहले आप अपने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लें और ये हमारा ओपन साइड है। अब हम पैनल के लिए इसे इस तरीके से मोड़ेंगे। क्योंकि हमारी मोड़ी 6 इंच है तो हम अपने पैनल को 5 इंच रखेंगे और 1/2 इंच हमारा मार्जिन के लिए सिलाई के लिए चाहिए होगा, तो हमें इसे 5.5 इंच रखना है और यहाँ से हमें इसे फोल्ड रखना है। हमारी लेंथ 32 इंच है, हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। अब हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं अपनी सलवार पर, 33 इंचेस। और नेफे के लिए हम 10 इंचेस ले रहे हैं क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। ये हमारी लेंथ का निशान है। अब हम मोड़ी का निशान लगाएंगे। मोड़ी हमें 6 इंचेस चाहिए और 1.5 इंच हम मार्जिन ले रहे हैं इसका, तो 7.5 इंच हुआ। अब आपको अपनी मोड़ी के निशान से नेफे तक मिलाना है। इस तरीके से आप अपने इंची टेप को यहाँ पर प्लेस कर लीजिए और ऐसे इसको पूरा ट्रेस कर लीजिए, आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। वहाँ तक हम इसे पूरा मिला देंगे। अब हमने अपनी सलवार की ड्राफ्टिंग बना ली है, अब हम इसे कट करेंगे। हमने अपनी सलवार की ड्राफ्टिंग बना ली है, अब हम इसको एज इट इज कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने एक पैर की कटिंग कर ली है। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे पैर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने कपड़े को प्लेस बिछा लेंगे। दूसरे पैर की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से बिछाएंगे। हमने जो ये पैनल फोल्ड किया था, ये हमारे इस कपड़े से बाहर की तरफ रहेगा। और ये हमारा एज इट इज यहां से मिलना चाहिए। मैं आपको इसकी स्टिचिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियोस। अब एज इट इज मैं इसी कपड़े के साथ इसको पूरा कटिंग कर लूंगी।
इसमें हमें कोई भी मार्जिन नहीं रखना है, हमको एज इट इज जो हमने पहले सलवार काटी थी वैसे ही कटिंग करनी है। तो गाइस देखिए, हमने अपनी सिंपल नैरो सलवार की कटिंग कर ली है और ये यहाँ से फोर साइडेड है, कटिंग है 1 2 3 4, ये 4 में होना चाहिए आपका। और इस तरीके से आप इसको यहाँ पर चढ़ाकर देख लें कि ये फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है पूरा। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब इसकी बेल्ट के लिए हमें कपड़ा बिछाना है ऐसे, इसमें आपको कहीं से भी कपड़ा फोल्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बेल्ट की लेंथ 6 इंचेस हैं तो हम 6.5 इंच लेंगे नीचे से। और ऊपर से 2 इंचेस लेंगे नेफा मोड़ने के लिए। इसकी चौड़ाई हम 23 इंच ले रहे हैं बेल्ट की और 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए ले रहे हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जहाँ पे नेफे का निशान है हम वहाँ पर इस तरीके का कट लगा लेंगे। और इसके नीचे यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ तक इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे यहाँ तक स्टिचिंग में। सो यह हमारी नैरो बेल्टेड सलवार की कटिंग पूरी हो चुकी है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।